नमस्कार, मैं हूं मन मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नजर की एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे, 4 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। हरियाणा में चुनाव आचार संहिता के दौरान हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC की सरकारी भर्तियों पर भारतीय चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस सांसद की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राज्य में विधानसभा चुनाव पूरे होने तक चल रही भर्ती प्रक्रिया के परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर अब विवाद छिड़ गया है। इस पूरे फैसले पर हरियाणा भाजपा ने कांग्रेस को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि हरियाणा के युवा कृपया ध्यान दें, एक बार फिर कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस सांसद ने हरियाणा में जारी होने वाले लगभग 5700 भर्तियों के रिजल्ट के खिलाफ गहरी साजिश कर उन पर रोक लगवा दी है। कांग्रेस ने ये भर्तियों के रिजल्ट पर नहीं बल्कि हरियाणा के युवाओं के भविष्य पर रोक लगाई है। चूंकि हरियाणा की जनता सब कुछ समझ रही है तो वे एक बार फिर से भर्ती रोको गैंग को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और आपको बता दें कि प्रदेश भर में अब ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस सांसद ने हरियाणा के युवाओं की पीठ में छुरा खोपने का काम किया है। कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं के पेट पर लात मारने की कोशिश की है। इसका जवाब युवा उन्हें वोट की चोट से देंगे और युवा इस दोगली मानसिकता के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वैसी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा हिसाब आज हरियाणा प्रदेश का युवा दे रहा है और वो युवा दे रहा है जिसको पिछले 10 वर्षों में बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी मिली है। आज वो युवा हमारा हिसाब दे रहा है।